आज मैदान में दिखाई दे रहा है, उससे निश्चित ये दिखाई देता है कि जिस तरह लोनी के लोगों ने अपराध से त्रस्त होकर के जो आपके यहाँ लोनी से भाग करके आए, लोकदल के प्रत्याशी की जमानत जब्त करने का काम किया था, आप लोगों ने उससे भी बुरी हाल करने का मन बना लिया है। बना लिया है कि नहीं? पक्का? और मेरा सब पुलिस वाले भाइयों से भी निवेदन है, कई साथियों के लगातार पीछे से फोन आए हैं, आप व्यवस्था में हैं, सुरक्षा की चिंता बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं, आप उनको आने दें, क्योंकि सामने अभी कुछ कार्यकर्ता आ जाएंगे, बाकी जब मैदान में जगह नहीं होगी तो उसके बाद जैसी व्यवस्था संगठन की तरफ से होगी वो विषय बात का है। मैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पे आप एक एक बात को जानते हो कि किसानों के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता जिन्होंने भारत माता का सीधा गर्व से दुनिया के अंदर भारत को नंबर एक बनाने का काम किया माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी लगातार कितना काम कर रहे हैं। आप सब जागरूक लोग हैं, कर्तव्यों के बहनों भाइयों, मैं तो दो तीन चीज बताना चाहता हूं आपको। रात एक अपहरण हुआ है, मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्रों में छपा है कि खतौली के अंदर समाचार पत्र जो हमारे टीवी चैनल वाले भाई हैं, मीडिया जिस टाइम पूरा आतंक था और अपराध की पूरी बिहार बहती थी, आदरणीय पांडे जी अमर उजाला के संपादक हुआ करते थे, उन्हें इन्हीं मदन भैया ने रस्तों की मामले में धमकी दी थी, लेकिन कलम डटी नहीं और निर्भीकता के साथ लिखती रही। रात अपहरण हुआ सेठी का दिल्ली में कि खतौली में पैसा लगना है, अखबारों में छपा है, ये मैं नहीं कह रहा, वो लोग कहते हैं कि हम लोग गलत कह रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं और ये मीडिया गलत है, क्या ऐसा जनप्रतिनिधि बनाओगे? ये फोटो देखिए, इस फोटो को देखिए, रस्तोगी कांड में पुलिस पकड़ के ले जा रही है पिटाई करते हुए, एक बच्चे तरुणपुरी 5 साल के मासूम बच्चे का इनके द्वारा कत्ल किया गया, 2.5 करोड़ रुपए वसूली लेने के बाद भी हाईकोर्ट बोल रहा है कि ये लादेन है, तो हाईकोर्ट भी झूठा, ये समाचार पत्र भी झूठे, टीवी चैनल भी झूठे, और ये जो मर्डर और डकैती के सैकड़ों मुकदमे दर्ज है, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में आवाज आई थी कि काफिरों के बेटियों को रख लो, इनके कत्ल कर दो, 3 दिन हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, पूरा कश्मीर खाली कर दिया गया, आज तक भी जो वहां दरिंदे थे, जो राक्षस थे, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ भय के कारण, लेकिन ये मुकदमे दर्ज हुए। मैं अपने संगठन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जिस तरह से ये प्यार भई है, आज हमारी बहन बेटियां कॉलेज में आती है तो किसी की हैसियत नहीं है उनसे कुछ कह दे, आज किसान गन्ने का पेमेंट लेकर के घर जाता है तो किसी की औकात नहीं है, क्योंकि ये माननीय योगी जी का राज है, या तो ऊपर जाएगा और साथ साथ घर पे बुलडोजर चलने का भी काम होगा। मैं संगठन के माध्यम से, आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये सारे मुकदमे, इनके साथ गरीबों के अन्याय हुआ है, इनके भाई मारे गए, 4-4 छोटे बच्चों को अपने घर पे कोई कत्ल नहीं करता बुला के, रामकिशन प्रमुख गुर्जर समाज के 200 से ज्यादा नौजवान को मारा गया, बाबा महेंद्र टिकैत 1990 में किसानों की बात करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई कि नहीं चलाई, मेरी बात का जवाब दे, अखबार झूठ नहीं बोलते। 1990 में बाबा टिकैत पे गोली चलाई जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, 6 लोगों की बात में मौत हुई, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली लूट लिए गए मदन भैया और उनके गैंग के द्वारा 47 से, वो सबको याद है, दिन कोई भूला नहीं है जो पुराने लोग हैं हमारे।
चौधरी अजीत सिंह जी जो किसानों के नेता थे वो निकले थे, ये अखबार की कटिंग बोल रही है। उनको कहा था कि लोनी से निकल के दिखाएं, लोनी से निकलने नहीं दूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय राकेश टिकैत जी से कि उस घटना का जो नरसंहार किया, किसानों के साथ जाति की बदला लेने का समय है। आप हमारे परिवार के, हम चौधरी साहब की अंत्येष्टि में माननीय राजनाथ सिंह जी और पूरी भाजपा गई। आज किसानों के साथ भाजपा पूरी तरह खड़ी है, उसको बदला लेने का समय आया है। चौधरी अजीत सिंह जी, हो सकता है जयंत जी को किसी ने गुमराह किया हो, मुझे उनके एक सहयोगी ने बताया कि जयंत जी बहुत दुखी है, लेकिन मजबूरी अब पार्टी ने टिकट दे दिया। उनसे भी मेरा निवेदन है, चौधरी चरण सिंह जी के 10 किलोमीटर दूर तक भी अपराधी खड़ा नहीं हो सकता था, जिसके हाथ मर्डर से डकैती अपहरण और शुरुआत चोरी का 1980 का मुकदमा है। चोरी से लेकर के बलात्कार डकैती अपहरण उसके मुकदमे दर्ज हो तो कहीं ना कहीं अगर चूक हुई है। आज परम श्रद्धेय है योगी जी हमारे बीच में बता रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज किसानों की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे प्रत्याशी का बहिष्कार कर भारतीय किसान यूनियन के जो दूसरे गुट है भानु अजगर तमाम, उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। मुझे उम्मीद है आदरणीय राकेश टिकैत जी आज के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के, उस जो कांड हुआ था 1990 की घटना, जो मेरे नेता बैठे हैं सबको याद होगी, चौधरी साहब को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना पड़ा था, उनसे बड़ा किसान नेता नहीं हो सकता। और तमाम चीजें हैं, मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, एक अपनी बात पूरी करूंगा। आप सबसे खतौनी के जो बहन भाई जो जनसेना उमड़ रहा है, जो नौजवान हनुमान जी के रूप में, जो बुजुर्ग जामवन जी के रूप में और माताएं दुर्गा के रूप में, ये जो राक्षसों की लंका है, अपराधियों की लंका है, इसको ध्वस्त करने के लिए तैयार खड़े हर हर महादेव के नारे के साथ, ये मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि एक बार लोनी आप लोग रिश्तेदारों से पता कर लें या मेरे साथ चले। अगर लोनी होके आए तो लगातार हराने का काम इसलिए जनता ने किया, जमाना जब्त करने का काम किया, क्योंकि लोनी में एक प्राइमरी स्कूल इनके द्वारा नहीं बनाया गया। इनके परिवार की बहन बेटियों ने कहा था हमारे भाई को पुलिस मार देगी, बचा लो। एक भाई को बचाने का अंजाम यह हुआ कि वह 250 विधवाएं घर घर में बैठी है, जमीनों पर कब्जे हुए और अभी तक तो कुछ भी नहीं है। रात ही अपहरण हुआ है कि खतौली में पैसा जाना है। इसलिए आप एक बार लोनी होकर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक एक घर जाइए, जो विक्रम सैनी, जो हमारा शेर है, जिसने हमारी बहन बेटियों के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिनकी सदस्यता गई है, उनके लिए एक एक 36 बिरादरी एकजुट होकर के बहन बेटियों के सम्मान के लिए और खतौली अपराध का गढ़ ना बने, घर से निकलने लोग बंद ना हो जाए, भय का माहौल ना हो, एक एक वोट डालने का काम करें, एक एक व्यक्ति भाई विक्रम सैनी कमलेश सैनी बनकर के, एक एक भाई भाजपा के जितने कार्यकर्ता लगे हैं आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है।